अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन में सीमा में वेलकम। अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपके साथ मटन की तहरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की मटन की तहरी बनती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में 200 ग्राम ऑयल डालेंगे, 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए, फ्लेम हाई पे रखेंगे। ये रेसिपी 800 ग्राम चावल और 800 ग्राम मटन की है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। बॉयल किया हुआ मटन ऐड करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मिक्स कर लेंगे। टू टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची 1/2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। इमली डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, टमाटर कटे हुए 2 अदद, दही 1 कप, सब्ज़ मिर्ची 5 से 6 अदद कटी हुई डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब गरम मसाला डालेंगे, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, बादियान के 2 अदद फूल डालेंगे, पिपली 1 अदद, मोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, काली मिर्ची 1 टीस्पून, तेज़पत्ता 1 अदद डालकर मिक्स कर लेंगे। चने की दाल 150 ग्राम, चने की दाल 1 घंटा पहले से भिगोई हुई है, इसको डालेंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको भूनेंगे। मसाला मैंने भून लिया है 15 से 20 मिनट तक। अब इसमें मटन की यखनी डालेंगे, 2 गिलास मटन की यखनी है और 1 गिलास पानी है। दो गिलास चावल हैं तो हमने 3 गिलास पानी डालना है। कवर करके रख देंगे। बॉयल आने के बाद चावल डालेंगे। एक घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, अब इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। कवर करके रख देंगे, फ्लेम हाई पे रखेंगे। पानी ड्राई हो गया है,
चावल मिक्स कर लेंगे। दम पर रख देंगे। 20 से 25 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर इनको दम पे रखना है। मटन की तहरी को दम आ चुका है। तहरी को मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मटन की तहरी बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही कलरफुल बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।